को राइट, यस किसी सर, को नहीं यस दिखाई सर। दे रहा तो ओके। तो ह्यूमन एनाटॉमी हमने शुरू किया था, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एनाटॉमी की, कि एनाटॉमी जो वर्ड है इट इज टेकन फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एनाटोम मीनिंग कटिंग अप, किसी चीज को कट करके अंदर से देखना, ठीक है। तो दैट इज द वर्ड, कहाँ से एनाटॉमी वर्ड लिया। एनाटॉमी क्या डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड देन रिलेशनशिप टू वन अनदर, कि बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है और उनकी एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है, कि वो कैसे एक दूसरे से क्या रिलेशन में है, किसके आगे क्या है, किसके पीछे क्या है, वो सब चीजें। फिर हमने पढ़ा था ग्रॉस एनाटॉमी, यस सॉरी सर, सब डिविजन्स ऑफ एनेटमी पढ़े थे, जिसमें था ग्रॉस एनेटमी, माइक्रोस्कोपिक एनेटमी जिसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं, फिर था डेवलपमेंटल डेवलपमेंट। एनेटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिर थी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनेटमी। तो चार सब डिविजन्स थे। फिर हमने ग्रॉस एनेटमी के बारे में पढ़ा था कि तीन टाइप की है ग्रॉस एनेटमी, रीजनल, रीजनल वॉज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, एक पार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे एब्डोमेन में क्या क्या है, लेग में क्या क्या है, उस एक पार्ट में बॉडी के क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगी उस रीजन की एनाटमी। फिर हमने पढ़ा था सिस्टमिक, सिस्टमिक मतलब ग्रॉस एनाटमी स्टडीड बाय द सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटमी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी, जो हमने 11th 12th में पढ़े हैं सब, उन सिस्टम वाइज अगर हम एनाटमी पढ़े तो वो कहलाएगी सिस्टमिक एनाटमी। थर्ड थी सरफेस एनाटमी, तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स एज दे रिलेट टू ओवरलाइंग स्किन, अंदर जो स्ट्रक्चर है वो स्किन में कैसे रिलेट करता है। हम स्किन पे, मान लो हमें पता है हार्ट कहाँ होता है, तो अगर हम लेफ्ट साइड पे चेस्ट पे हाथ रखेंगे ऊपर, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ इस हैंड के नीचे हार्ट है, और वहां हमें हार्ट बीट भी सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से। तो वैसे ही अगर हम जैसे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे रिब्स के नीचे हाथ रखेंगे तो वहां पर लीवर होता है, तो हमें ऊपर से भी पता है स्किन के उस एरिया के नीचे कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है। तो सरफेस पे जब हम मार्क करके उस ऑर्गन के बारे में या उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज सरफेस एनाटमी। फिर हमने देखा था डेवलपमेंटल एनाटमी, जो कि एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ द बॉडी बिफोर बर्थ। तो बिफोर बर्थ जो चेंजेस हुए वो एम्ब्रियोलॉजी, जब हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, हमारी बॉडी बन रही होती है माँ के पेट में, जब आंख नाक कान सब बन रहे होते हैं, उस टाइम उन चेंजेस की स्टडी करना वो कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसके दो पार्ट थे, साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। सो मेनली एनाटॉमी में हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ टिश्यूज, साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। तो सेल के बारे में स्टडी हो तो साइटोलॉजी, सी से साइटोलॉजी, सी से सेल, ये भी मैंने बताया था याद रखना है। हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यूज, कौन सा टिश्यू किस टाइप के सेल्स से बना है, क्या क्या उसमें फाइबर्स हैं, नहीं है, कार्टिलेज है, नहीं है, तो वो सारी जो माइक्रोस्कोपिक डिटेल है वो आएगी हिस्टोलॉजी में। क्लियर है ये सब ना? यस सर, यस सर। अब हम आते हैं देखो स्पेशलाइज ब्रांचेस ऑफ एनेटमी, जिसमें फर्स्ट है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। तो ये भी मैंने बताया था पैथोलॉजी मतलब डिजीज, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज्ड बाय डिजीज, सॉरी। सो कोई डिजीज बॉडी में है, वो अगर कोई चेंजेस ला रहा है बॉडी के स्ट्रक्चर में, किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में, तो वो क्या कहलाएगी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। फिर है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स विजुअलाइज्ड बाय एक्सरे। तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, वो जो हम करते हैं बॉडी को अंदर से स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, और उनको जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एट सब सेलुलर लेवल, सेल से भी छोटे लेवल पर, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाकर हम जब स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी पढ़ते हैं वो कहलाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल के अंदर हमें पता है क्रोमोसोम होते हैं और डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है, तो ये सब जो चीजें हैं वो क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्लियर
क्लियर है यहां तक? यस सर। आगे बढ़ते हैं अब हम आज। अब कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है एनाटॉमी में, उनको समझना जरूरी है। जैसे हम अब तक जो है आईज को, आंखों को आईज बोलते हैं, कानों को ईयर बोलते हैं, पर एनाटॉमी में इनके लिए सबके लिए अलग वर्ड है। तो वो वर्ड्स क्या क्या हैं जो हमें एनाटॉमी समझने में मदद करते हैं, उनको आज हम देखेंगे, बेसिक वर्ड्स मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। सबको डायग्राम दिखाई दे रहा है? यस सर। तो बच्चे देखो, यहाँ पर ये एंटीरियर व्यू है। नीचे आप देखो सबसे क्या लिखा है, एंटीरियर व्यू। एंटीरियर का मतलब होता है सामने, फ्रंट से, ठीक है। तो अगर हम अपनी बॉडी को फ्रंट से देखते हैं तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं? तो देखो, हेड जो है, अपन सबसे ऊपर से शुरू कर रहे हैं, हेड से। तो हेड जो है उसके लिए जो वर्ड है वो है सिफेलिक। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना है, सिफेलिक। मुंह से बोल के देखो सब, सिफेलिक। सिफेलिक, ठीक है। फिर है हेड जो है वो दो में डिवाइडेड है, स्कल और फेस। स्कल क्या होता है? हमारा सर की हड्डी, बोन। सो स्कल बोन का दूसरा नाम है देखो क्रेनियल। क्रेनियल बोल के देखना है सबको, चाहे म्यूट करके आप बोल रहे हो बोल लो, क्योंकि बाद में प्रोनाउंसिएशन आप लोग गलत करेंगे। क्रेनियल, CRANIAL, क्रेनियल। और फेस के लिए जो दूसरा वर्ड है वो है फेशियल। तो फेस के लिए तो इजी है, फेशियल सबको पता है, कुछ लोग करवाते भी होंगे नाई के पास जाके फेशियल। समझ में आ रहा है? फेशियल तो याद रहेगा सबको। कल क्रेनियल, कल के लिए क्रेनियल, ठीक है। अब जो फेस है उसके देखो पार्ट्स दिए हुए राइट साइड में। फोरहेड जो हमारे आईब्रो के ऊपर का एरिया होता है, फ्रंट वाला जो पार्ट है, माथा जिसको हम बोलते हैं, वो क्या कहलाता है? फोरहेड। उसका दूसरा नाम एनाटॉमी में है फ्रंटल। फ्रंटल मतलब फ्रंट में, याद रहेगा ना, ठीक है। यस फ्रंटल। आईज के लिए नाम है ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऑर्बिटल। क्योंकि ऑर्बिट मतलब गोल, सर्कुलर। तो आईज जो है वो गोल ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है, खड्डे में प्रेजेंट होती है ऑर्बिट में, इसलिए इसके नाम ऑर्बिटल। फिर है ईयर। ईयर का नाम है ऑटिक, OTIC, ऑटिक। तो ये ऑडिटरी नर्व यहाँ पे सप्लाई करती है, सुनने का काम करता है ईयर, इसलिए ऑटिक। फिर चीक, अपने गाल जो है चीक, उसके लिए नाम है बक्कल। यहाँ पर जो मसल होती है चीक में वो होती है एक मेन मसल, बक्सीनेटर, जो कि चबाने का काम करती है, मास्टिकेशन का काम करती है, खाने को चबाने का। तो वो हमारे गाल में प्रेजेंट होती है बक्सीनेटर मसल, इसीलिए चीक को क्या नाम दिया? बक्कल, BUCCAL। नोज के लिए नेजल, नोज के लिए नेजल। माउथ के लिए ओरल, ओरल कैविटी। माउथ को दूसरा नाम क्या है? ओरल कैविटी। तो माउथ के लिए ओरल। चिन का दूसरा नाम है मेंटल, वे पागल वाला मेंटल नहीं है, ठीक है ना। तो चिन का नाम है मेंटल, क्योंकि ये कौन सी बोन पे प्रेजेंट है? मैंडिबल। मैंडिबल बोन होती है जिसपे हमारी चिन प्रेजेंट होती है, नीचे वाली बोन माउथ की। तो उसमें ये जो पार्ट है चिन वाला, उसका नाम होता है मेंटल। सो चिन का नाम क्या है? मेंटल। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ रहा है? क्लिनिकल वाला एक बार वापस से बताओ। स्कल और फेस का क्लियर है? स्कल को क्रेनियल, फेस को फेशियल, हेड को सिफेलिक, ठीक है। स्कल, हेड के दो पार्ट हो गए, स्कल एंड फेस, या क्रेनियल एंड फेशियल। फिर है फोरहेड। फोरहेड को बोलेंगे फ्रंटल, फ्रंट में है इसलिए माथा हमारा। आईज जो है ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिट में प्रेजेंट है, खड्डे में, एक सर्कुलर खड्डे में प्रेजेंट है आईज। फिर है ईयर, इसका नाम है ऑटिक, ऑडिटरी नर्व सप्लाई करती है तो उससे ऑटिक। चीक में बक्कल, क्योंकि यहाँ बक्सीनेटर एक मसल होती है, मांसपेशी होती है, जो चबाने को, खाने के चबाने का काम करवाती है जॉ से। हमारे जो जबड़ा है वो चबाता किससे है, कौन हिलाता है उसको? बक्सीनेटर मसल। तो इसीलिए चीक में बक्कल। नोज में नेजल, नाक का नाम है नेजल।
माउथ का ओरल कैविटी बोलते हैं माउथ को, तो वहां से नाम है ओरल, ओपन कैविटी, ओरल मतलब ओपन, तो ओपन कैविटी इसलिए माउथ। चिन का दूसरा नाम है मेंटल, ठीक है, मेंटल बोन मैंडिबल बोन का पार्ट है, तो इसलिए चिन का नाम है मेंटल। क्लियर है सबको यहां तक? यस सर। अब हम आते हैं नेक पे, तो नेक का नाम जो एनाटॉमी में है वो है सर्वाइकल। सर्वाइकल मतलब आपने देखा भी होगा, कुछ लोग बोलते हैं गर्दन में दर्द है या मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सुना है किसी ने? सर्वाइकल कॉलर भी लगा के रखते हैं, ब्राउन कलर का कॉलर सा गर्दन पे बांध के रखते हैं, कई लोग आपको दिख जाएंगे बाहर आप निकलोगे तो। देखा है ना, गर्दन पे कॉलर सा बांध के रखते हैं ब्राउन कलर का मोटा सा, तो वो क्या होता है? सर्वाइकल कॉलर। तो गर्दन में क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है गर्दन में, उनका नाम होता है सर्वाइकल बोन। सात हड्डियां होती हैं वो, तो सर्वाइकल बोन से गर्दन का नाम क्या पड़ा? सर्वाइकल। ठीक है, बोल के देख लीजिए, सर्वाइकल, सर्वाइकल। फिर हम आते हैं चेस्ट पे, तो हमारा जो ट्रंक है, फ्रंट जो बॉडी है ट्रंक, वो तीन में डिवाइडेड है। देखो, चेस्ट, एब्डोमन, पेल्विस। चेस्ट तो वो एरिया जहां हमारे लंग्स प्रेजेंट है, एब्डोमन जहां पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर पेल्विस नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमन इज नोन एज पेल्विस। तो चेस्ट का जो दूसरा नाम है वो है थोरेसिक, थोरेसिक। फिर है इसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, थोरैक्स बोलते हैं इसको, थोरेसिक कैविटी, जिसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो रिब्स, जो हमारी रिब्स हैं, 12 रिब्स होते हैं फ्रंट में, और बैक में पूरा जाल बनाते हैं जिसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। आतड़ियां, आतड़ियां पता है ना सबको, 12 होती हैं। यस सर। तो 12 रिब्स जो है वो पूरा केज बनाते हैं, एक क्या बोलेंगे, जेल जैसा बना लेते हैं कवर, उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। जिस जगह पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं पूरे थोरेसिक केज के अंदर, एक जाल के अंदर, उस कैविटी पूरी स्पेस को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और इस रीजन को बोलते हैं थोरेसिक रीजन, चेस्ट को थोरेसिक। चेस्ट के अंदर जो मेन बोन होती है फ्रंट में, हमें हम फील भी कर सकते हैं दबा के, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन या स्टर्नल, स्टर्नल बोन। बिल्कुल गर्दन के नीचे हार्ड बोन होती है सेंटर में, जिसको स्टर्नल बोन बोलते हैं, कॉमनली उसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। फिर यहां पर जो ग्लैंड होता है ब्रेस्ट, उसका जो नाम है साइंटिफिक एनाटॉमी में वो है मेमरी, इसको मेमरी ग्लैंड बोलते हैं ब्रेस्ट को, ठीक है। मेल फीमेल दोनों में होता है, फीमेल्स में वेल डेवलप्ड होता है, मेल्स में रूडिमेंट्री होता है, डेवलप नहीं होता उतना। तो ब्रेस्ट क्या कहलाता है एनाटॉमी में? मेमरी। फिर हम आते हैं देखो एब्डोमन पे, एब्डोमन में जो हमारी अम्बिलिकस है, जो नाभि है, नाभि को इंग्लिश में नॉर्मली बोलते हैं नेवल, पर यहां पर उसका एनाटॉमी में नेम क्या हो जाएगा? अम्बिलिकल। साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा उसका? अम्बिलिकल, अम्बिलिकल, UMBILICAL, अम्बिलिकल। फिर हिप का जो रीजन है साइड में एब्डोमेन में, वो कहलाता है कॉक्सल, हिप जॉइंट, कॉक्सल, COXAL, कॉक्सल कहलाता है वो। पेल्विस में जो रीजन है वो है ग्रोइन या इंग्वाइनल, ग्रोइन या इंग्वाइनल, इंग्वाइनल रीजन बोलते हैं उसको। दोनों तरफ होती है ग्रोइन, राइट ग्रोइन, लेफ्ट ग्रोइन, जो हमारा जांग का रीजन है, जांगों का, वो कहलाता है ग्रोइन या इंग्वाइनल, ठीक है, इंग्वाइनल रीजन, क्योंकि यहाँ पर एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है हमारी जांग के ठीक पीछे, जिसका नाम होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। तो लिगामेंट की वजह से, उस लिगामेंट की वजह से ग्रोइन का नाम हुआ इंग्वाइनल। ये सब चीजें जब हम पढ़ेंगे उस चीज को वहां पर भी रिपीट होंगी। तो ये तो हो गया ट्रंक के बारे में, ट्रंक तीन में डिवाइडेड है, चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। चेस्ट का नाम है थोरेसिक, थोरेसिक रीजन में और क्या क्या चीजें हैं? ब्रेस्ट बोन, जिसको स्टर्नल बोन बोलते हैं एनाटॉमी में, ब्रेस्ट ग्लैंड है जिसको मेमरी बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड, एब्डोमेन के अंदर नेवल है जिसको अम्बिलिकल बोलते हैं,
हिप ज्वाइंट है जिसको कॉक्सल बोलते हैं, ग्रोइन रीजन है हमारी जांघों का रीजन जिसको इंग्वाइनल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर हम लिम पे आर्म में, तो देखो अपर लिम में आर्म पिट जो हमारी काक होती है उसको बोलते हैं एक्सिलरी। आर्म पिट इज नथिंग बट हमारी जो काक होती है एक्सिला, तो एनाटॉमी में इसको एक्सिला या एक्सिलरी बोलते हैं आर्म पिट। फिर जो हमारे शोल्डर से एल्बो तक का रीजन है, शोल्डर ज्वाइंट से कंधे से कोहनी तक, इसके बीच का जो पार्ट है ये कहलाता है आर्म। इसका साइंटिफिक नेम है यहाँ पर ब्रेकियल। ठीक है, फिर है फ्रंट ऑफ एल्बो, एल्बो के फ्रंट का एरिया उसका है एंटी क्यूबाइटल, एंटे क्यूबाइटल फ्रंट ऑफ एल्बो ज्वाइंट। फिर है फोर आर्म, कोहनी से लेके कलाई तक के बीच का एरिया, कोहनी से कलाई के बीच का एरिया फोर आर्म एंटे ब्रेकियल। देन देयर इज रिस्ट, जो कलाई जॉइंट है हमारे कलाई का जॉइंट उसको बोलते हैं कार्पल। कार्पल क्यों बोलते हैं, यहां पर 8 कार्पल बोन होती हैं छोटी छोटी, उनकी वजह से यहां पर कार्पल, तो रिस्ट को कार्पल। पाम जो है फ्रंट ऑफ पाम हथेली उसको कॉमनली पाम बोलते हैं, तो उसको पामर, एनाटॉमी में पामर। फिंगर्स को डिजिट्स बोलते हैं या फेलेंजेस, फेलेंजियल, PHALANGEAL फेलेंजियल। क्लियर है ये सब? आर्म पिट एक्सिलरी, आर्म शोल्डर से लेके एल्बो तक का एरिया, फिर है फ्रंट ऑफ एल्बो एंटे क्यूबाइटल, फोर आर्म एंटे ब्रेकियल, और फिर है रिस्ट जिसको कार्पल, पाम को पामर, हथेली को पामर, फिंगर्स को डिजिट्स या फेलेंजियल, डिजिटल या फेलेंजियल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है बच्चे, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर आपको नेक्स्ट क्लास के लिए टाइम नहीं मिलेगा ज्वाइन होने के लिए, तो नेक्स्ट लोअर लिम से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। पर जो इसके नेक्स्ट डायग्राम है वो भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि शायद उसमें से भी एक क्वेश्चन है वहां पर ऑनलाइन टेस्ट में। आज हमने शुरू में क्योंकि IMCRP देख लिया तो टाइम नहीं मिला, तो नेक्स्ट जो डायग्राम है बैक वाला उसको भी एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू।